हेलो एवरीवन, सीएलसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। माई सेल्फ हनुमान जांगिड, टीम केमिस्ट्री, सीएलसी सीकर। आज अपन जेई एडवांस की मिड सेशन टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, पेपर नंबर 5 का। मैं केमिस्ट्री के फिजिकल वाले पार्ट का डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। टॉपिक केमिकल और आयोनिक इक्विलिब्रियम है। आइए एक एक करके क्वेश्चन को चर्चा करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो आपको एक पैसेज प्रॉब्लम दे रखी है। इस पैसेज में जो है वो दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, ठीक है। क्या बोला गया है? AgCl इज ए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, KSP इक्वल टू 10^-10। द सोल्यूबिलिटी ऑफ AgCl डिक्रीजेज इन AgNO3 एंड NaCl सॉल्यूशन। AgNO3 और NaCl सॉल्यूशन में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी, बिल्कुल सही बात है। कॉमन आयन इफेक्ट लगने वाला है। यहां पे कॉमन आयन Ag हो जाएगा, यहां पे कॉमन आयन Cl हो जाएगा। While it increases when taken in aqueous ammonia, aqueous ammonia में लोगे तो increase हो जाएगी। The formation constant KF4 AgNH3 whole twice plus is 10^8, ठीक है। ये आपको डेटा दे रखा है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, what is the solubility of AgCl in milligram in 10 ml, ठीक है, और 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन। ये आपको AgCl के खुद के 10 ml में पूछा जा रहा है। 10 ml में क्या हो, तो अपन एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि KSP इसका गिवन है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो KSP है 10^-10। Ag प्लस यहां से लेना है इनटू जो Cl माइनस होगा वो सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में आएगा, तो सॉल्युबिलिटी इट इज इक्वल टू 10^-9, इट इज द मोल पर लीटर। अभी आपसे पूछ रहा मिलीग्राम में, फर्स्ट ऑफ थिंग, तो अगर ग्राम में चाहिए तो 143.5 का मल्टीप्लाई कर दे, ये ग्राम पर लीटर आ गया। मिलीग्राम में चाहिए तो इसको अपन 143 × 10^-6, इट इज द मिलीग्राम पर लीटर। तो 1000 ml में 143 × 10^-6 मिलीग्राम सोल्यूबल हो गया, तो 10 ml में कितना सोल्यूबल होगा, डिवाइड बाई 100 लगा दीजिएगा, 10^-8 मिलीग्राम हो जाएगा, 1.43 × 10^-6 मिलीग्राम हो जाएगा, 1.43 × 10^-6 मिलीग्राम सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। इसका सेकेंड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। सिंपल सा क्वेश्चन है, 10 ml में पूछा है, तो ग्राम पर लीटर में कैलकुलेट करने के बाद इसको 10 ml के लिए कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा सेकेंड नंबर प्रॉब्लम को, क्या कह रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया मस्ट बी एडेड टू डिजोल्व 0.01 मोल ऑफ AgCl इन 1 लीटर ऑफ वॉटर। इट मीन्स AgCl की जो मोलरिटी आएगी या सॉल्युबिलिटी जो आएगी वो 0.01 मोल पर लीटर हो जाएगा, कितना अमोनिया ऐड किया जाए। तो अपन ने फर्स्ट ऑफ थिंग देखा कि ये AgCl है, ये सॉल्यूबल हुआ तो Ag प्लस बनाए प्लस Cl माइनस बनाए, और यहाँ पे Ag प्लस जो होता है वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 1। ये हो गया KSP और ये हो गया इसका KF। इन दोनों रिएक्शन को अगर अपन ऐड कर दे तो Ag प्लस से Ag प्लस गया, यहाँ पे AgCl प्लस 2 टाइम्स अमोनिया, इट इज इक्वल टू ये बन जाएगा Cl माइनस की कंसेंट्रेशन और ये बन जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस 1, ये बन गया। इसका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया KSP × KF। KSP × KF अगर अपन करें तो आ जाएगा अपने पास 10^-2 मीन्स 0.01, ठीक है। Cl माइनस की कंसेंट्रेशन अपने पास 0.01 आई गया। AgNH3 होल ट्वाइस, अगर ये इतना सोल्यूबल होगा तो सामने ये भी इतना ही बनेगा। इक्विलिब्रियम पर अपन को अमोनिया मिल गया, ये लो, ये इक्विलिब्रियम पर अमोनिया मिल गया, तो कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम जो आया वो 10^-2, तो अमोनिया की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम आ गया 0.1 ml। ये तो इक्विलिब्रियम पर अमोनिया प्रेजेंट है। जब इसका अगर 0.01 मोल रिएक्ट किया है तो इसका तो डबल रिएक्ट कर चुका है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया या मोलारिटी ऑफ अमोनिया रिएक्टेड जो होगा वो तो डबल होगा, 0.02 ml।
तो इनिशियल में कितना होना चाहिए था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने होने चाहिए थे, 0.1 प्लस 0.02 इट इज इक्वल टू 0.12 मोल। भैया ये तो इक्विलिब्रियम पर बचा है और रिएक्ट कितना किया, 0.02 मोलर तो रिएक्ट कर चुका है, तो टोटल कितना लिया आपने, 0.12 मोल लिया था स्टार्टिंग में। ओके बात, ये प्रॉब्लम था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं यहां पे वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। देखिएगा आपको जो दे रखा है एलन के इक्विलिब्रियम एंड 1/T का ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन क्या होने चाहिए, सेलेक्ट दी करेक्ट ऑप्शन। तो अपन को मालूम है कि डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है माइनस का RT ln k इक्विलिब्रियम, और सेकेंड नंबर डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। इन दोनों को इक्वल कर लीजिएगा, माइनस RT ln k इक्विलिब्रियम डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। तो यहां से ln के इक्विलिब्रियम जो होगा वो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट अपॉन, तो अगर अपन बात करें कि ln के इक्विलिब्रियम जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा एस नॉट बाई आर प्लस माइनस का डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/T, ये होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये y एक्सिस हो गया, ये 1/T को x मान लिया तो ये m हो गया, ये c हो गया। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखी है 20, तो डेल्टा s नॉट बाई r इट इज इक्वल टू 20, तो डेल्टा s नॉट की वैल्यू जो हो गया वो 20 r हो जाएगा। अगर r की वैल्यू को कैलोरी में पुट किया जाए तो 40 कैलोरी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। एक तो सेकेंड नंबर माइनस का डेल्टा h नॉट बाई r टेन थीटा के बराबर होगा, यहाँ से टेन थीटा जो आ रहा है वो 30 आ रहा है, तो ये स्लोप के बराबर हो जाए तो डेल्टा एच नॉट बराबर माइनस का 60 कैलोरी आ जाएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके ये सिंपल सी, बस यहाँ मुद्दा ये ध्यान रखना है टेन थीटा या थीटा 30 मत मान लेना, बस ये ध्यान रखना था। ओके नेक्स्ट बात करें, आपको बोला जा रहा है द रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इन 1 लीटर वेसल ऑफ एट 300 केल्विन A2 कन्वर्टेड इनटू 2A थ्रू ए पिन होल इज 0.707 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इफ एटोमिक मास ऑफ A इज 46। ये कह रहा है कि A2 कन्वर्टेड 2A के मिक्सचर की जो है A2 converted into 2A के मिक्सर का जो है वो रेट ऑफ इफ्यूजन जो आ रहा है वो ऑक्सीजन के कंपैरेटिव में 0.7 रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ मिक्सर ये आएगा। ठीक है, तो यहां से रेट ऑफ m अपॉन रेट ऑफ O2 ये आएगा, ये किसके बराबर आए, 32 अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द मिक्सचर। ये एक्चुअल में 1/√2 है, ये एक्चुअल में 1/√2 है, स्क्वायर कर दीजिएगा तो मॉलिकुलर वेट ऑफ मिक्सचर किसके बराबर आएगा, 64 के बराबर आएगा, तो मोलर मास ऑफ द मिक्सचर इज द 64। अब अगर आपका मोलर मास 64 आया है, अगर मोलर मास 64 आया है तो अपन को एक काम करना पड़ेगा, रेशियो चेक करना पड़ेगा कि A और A2 का किसके अकॉर्डिंग आएगा, किस कौन से रेशियो में होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको मोलर मास 64 आ रहा है और आपको परसेंटेज ऑफ A कैलकुलेट करना है, तरीका ये होता है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, दोनों का डिफरेंस देख लो A और A2 के मोलर मास का, ये 46 है 92 है तो 46 आ जाएगा, ऊपर जो आना चाहिए वो एवरेज माइनस रिमेनिंग वाला, आप यहाँ पे ए का चेक कर रहे हो तो रिमेनिंग वाला 92 हो गया, इट इज द 28 अपॉन 46 इंटू 100 आएगा, ये आ जाएगा 14 डिवाइड बाई 23 इंटू 100 आएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज ऑफ ए ये आया तो परसेंटेज ऑफ A2 जो आएगा वो 9/23 इंटू 100 हो जाएगा। तो एक बात अगर बात करें परसेंटेज ए और A2 के रेशियो की, अगर अपन बात करें A से A2 के रेशियो की, अगर अपन बात करें
तो ये आ जाएगा अपने पास ए से ए टू का जो रेशियो आएगा वो आएगा 14/9। 14/9 बोले तो इट मीन्स इट इज द ग्रेटर देन वन, तो ये तो गया। अब बाकी आप ये दोनों ऑप्शन चेक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन जो आ रहे हैं वो इस रेशियो के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं, इस रेशियो के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन ये रेशियो तो आ नहीं रहा है, 14/9 आ रहा है, इट इज द 1 समथिंग कुछ आएगा। इट मीन्स इसका एक ही आंसर है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट बात करें, देखिएगा बफर सॉल्यूशन ए ऑफ ए वीक मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड मान लिया जाए एच ए एंड इट्स सोडियम सॉल्ट इन द कंसेंट्रेशन रेशियो एक्स रेस टू वाई हैज पीएच इक्वल टू पीएच वन। ठीक है, अब अपन को मालूम है पीएच वन जो आएगा वो आना चाहिए पीके ए प्लस लॉग ऑफ द सॉल्ट हो गया वाई अपॉन एक्स, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड नंबर कह रहा है बफर सॉल्यूशन पीएच टू बनेगा पीके ए प्लस लॉग ऑफ द y रेस टू x, तो ये हो गया x रेस टू y। अब आपको क्या बोला है, इफ पीएच टू माइनस पीएच वन, ये लो पीएच टू माइनस पीएच वन कर लेते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 1 और ये किसके बराबर आएगा 2 टाइम्स लॉग x बाई वाई, 2 टाइम्स लॉग x बाई वाई आएगा। पीएच टू माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया, लॉग एक्स बाई वाई माइनस लॉग वाई बाई एक्स, यही तो बनेगा लॉग एक्स बाई वाई माइनस लॉग वाई बाई एक्स, ये बनेगा। तो लॉग एम बाई एन होना चाहिए, ये सॉरी लॉग ऐसे बनेगा लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 10, तो एक्स बाई वाई जो होगा स्क्वायर रूट ले लेना 3.162, ये तो सही है। सेकेंड नंबर अपन को बोला पीएच वन प्लस पीएच टू, इन दोनों को ऐड करो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पीएच वन प्लस पीएच टू जो आएगा वो 2 टाइम्स पीके आए, पीएच वन प्लस पीएच टू किसके बराबर है 9.5, 2 टाइम्स पीके, तो पीके की वैल्यू 4.75, ये लो। फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आपको बोला गया है ए कन्वर्टेड इनटू 2b प्लस सी, इनिशियली 1 मोल ए प्रेजेंट इन 1 लीटर, कंसेंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम इज एक्स इनटू 10^-3 मोल पर लीटर, देन वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए केसी की वैल्यू वेरी लो दे रखी है, इट मींस रिएक्शन ऑलमोस्ट फॉरवर्ड में प्रोसीड कर जाएगी। अगर फॉरवर्ड में प्रोसीड कर गया और आपने यहां पे 1 माइनस एक्स, ये 2x और ये x लिखा, तो इसका मतलब 1 माइनस एक्स टेंस टू 0 होगा, ये तब होगा जब x टेंस टू 1 हो। इट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी जो आएगा, बी जो आना चाहिए वो किसके बराबर आए, एक मिनट, केसी की वैल्यू वेरी लो दे रखी है, अगर केसी की वैल्यू वेरी लो दे रखी है तो इसका मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन में ही है, ऑलमोस्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑलमोस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर ये 1 माइनस एक्स लिखा जाएगा, ये 2x और ये x, 1 माइनस एक्स ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा 1 के, तो इसका मतलब x टेंस टू 0 होगा लगभग। ओके, अब अपन यहां पे वैल्यू पुट करें 4×10^-9, इट इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर इनटू, यहां पे अगर अपन बात करें x अपॉन ये 1 माइनस एक्स को 1 लिखना है, तो 4x³ इट इज इक्वल टू 4×10^-9, x बराबर 10^-3, कंसेंट्रेशन ऑफ बी जो मोल आएगा वही कंसेंट्रेशन आएगा 2×10^-3, तो यहां से x की वैल्यू किसके बराबर हो गया 2, x की वैल्यू किसके बराबर हो गई 2 के बराबर हो गई। ओके, इट इज द स्पेशल केस ऑफ केसी एंड केपी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द कंसेंट्रेशन ऑफ बी माइनस इन द मिक्सचर ऑफ 0.1 मोलर एच ए, के दे रखा है, के बी दे रखा है, इज एक्स इंटू 10^-7m, देन वैल्यू ऑफ एक्स। यहां से एक बात देखिएगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसके कंपैरेटिव में, तो इसका मतलब एच प्लस आयन जो कंसीडर होगा वो एच प्लस फ्रॉम एच ए से कंसीडर होगा, इसका मतलब आप भूल जाओ कि मिक्सर है वो।
अब वो मिक्सर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है, वीक एसिड की तरह ट्रीट कर रहा है, तो H प्लस आयन जो होगा वो रूट के इंटू सी होगा। तो 10 रेस टू द पावर माइनस 5 इंटू 0.1 इट इज द 10 रेस टू द पावर माइनस 3। H प्लस आयन 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मोलर हो गया, ये H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन आ गई, H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मोलर आ गया। अब आपको B माइनस चाहिए तो इसका K भी लिखिएगा, मतलब K लिखिएगा 10 रेस टू द पावर माइनस 5 9 एच प्लस आयन ये लिखना है इंटू बी माइनस की कंसेंट्रेशन अपॉन इसको एट इट इज 0.2 ही लिखना है। तो B माइनस की कंसेंट्रेशन जो आएगा वो 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बोले तो 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 7। तो यहां से देखिएगा x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 के बराबर। ओके जब भी आपको मिक्सर में ये इस आयन की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है और ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है उस कंडीशन में इसका K या KB का एक्सप्रेशन लिखिएगा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए इफ फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज 100% ये आपको बोला जा रहा है। ये लीजिए ठीक है सेकेंड डिसोसिएशन इज 50% एंड थर्ड डिसोसिएशन इज नेग्लिजिबल इसका मतलब कंसीडर करो ही मत। अब तो ये कह रहा है 4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 था तो ये 4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 से 4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 बन जाएगा, ये भी इतना ही बनेगा। अब ये कह रहा है 50% आ गया तो 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 आ गया तो ओवरऑल OH माइनस जो आएगा वो 6 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 आ गया। दोनों को ऐड कर लो POH जो आएगा वो 3 माइनस लॉग 6 तो 3 माइनस 0.78 इट इज द 2.22 तो यहां से pH जो आएगा वो 14 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11.78। ओके नेक्स्ट बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आया है। टू सॉलिड कंपाउंड x एंड y डिसोसिएटेड एट ए सर्टेन टेम्परेचर एज फॉलोस KP1 दे रखा KP2 दे रखा है द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस ओवर ए मिक्सचर ऑफ x एंड y सॉलिड x एंड y x सॉलिड ऐसे ब्रेक हुआ a गैस प्लस 2b गैस में इसका प्रेशर P1 ये 2 टाइम्स P1 y सॉलिड कन्वर्ट हुआ 2b गैस प्लस c गैस में P2 तो ये 2P2 साइमल्टेनियस का रूल ही यही है कॉमन स्पीसीज की कंसेंट्रेशन प्रेशर सेम रहे। ये लो KP1 दे रखा आपको 9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये किसके इक्वल हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा P1 इंटू 2 टाइम्स P1 प्लस P2 टाइम्स P2 का स्क्वायर और ये दे रखा है 4.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 ये दे रखा P2 इंटू 2 टाइम्स P1 प्लस 2 टाइम्स P2 का स्क्वायर डिवाइड कर लीजिएगा ये आएगा 2 P1 बाई P2 ये आएगा तो P1 किसके बराबर आ गया 2 टाइम्स P2 के। यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 टाइम्स P2 P1 की जगह पर 2 टाइम्स P2 तो ये हो जाएगा एक तो ये आया दोनों को ऐड कर लीजिएगा 13.5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर बार 4 P1 प्लस P2 का स्क्वायर आ गया कॉमन तो ये बच गया वापस P1 प्लस P2 ठीक है तो ये हो गया 13/5 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये आ गया P1 प्लस P2 का क्या क्यूब। यहां से अगर P1 प्लस P2 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज द 0.50। टोटल प्रेशर किसके बराबर है इनका प्रेशर का सम कर दो ये कॉमन स्पीसीज है तो टोटल प्रेशर जो आएगा वो आ गया 3 टाइम्स P1 प्लस P2 तो 3 टाइम्स P1 प्लस P2 इट मींस 0.458 ये इसका आंसर आ जाएगा 0.458। ओके थैंक यू।